आप अगर कोई कमजोर दिल वाला है तो ये वीडियो पूरा ना देखें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। तो मैं अभी पट्टी अपनी पूरी निकाल रहा हूँ। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। तो ये वीडियो में मेरी जो प्लास्टिक सर्जरी की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो इसमें आप सर्जरी की प्रक्रिया है वो किस तरीके से हुई है वो आप पहले देख लीजिए। तो मेरा हाथ 1 महीने तक यहाँ पर स्टिच करके रखा गया था, तो वो प्रक्रिया आप पहले देखिए, फिर मैं आपको उसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर एक SDM हॉस्पिटल में हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो अभी कल मेरे उंगली की प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। ये रसल पेपर के काटने के बाद इधर गैंग्रीन हो गया है और ये एकदम पत्थर की तरह स्ट्रांग हो गया है। आप चाहे तो इसे देख सकते हैं, ये सब एकदम स्ट्रांग हो गया है, इसमें साउंड आता है। तो अभी इसको क्लीन किया जाएगा। क्लीन करके फिर मेरे पेट के जो वहाँ का स्किन है उसके साथ में इसको लगा के स्टिच करके रखा जाएगा। तो अभी देखते हैं, आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा गूगल पे नंबर दे के रखूँगा, जिसकी भी अगर कोई थोड़ी सी भी इच्छा हो तो अनुदान कर सकते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी होने के बाद में हॉस्पिटल में मैं वो जो ऑपरेशन होने के बाद के वीडियो बना नहीं सका, क्योंकि उधर वीडियो बनाना मना था। तो फिर मैं अभी घर आ गया हूँ। घर आके अभी कम से कम प्लास्टिक सर्जरी हो के कुछ अर्सा गुजर गया है। अभी थोड़े ही दिनों में मेरा हाथ अभी पेट से रिलीज कर दिया जाएगा। तो अभी मैं आपको प्लास्टिक सर्जरी का जो किया हुआ उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, आप अगर कोई कमज़ोर दिल वाला है तो ये वीडियो पूरा ना देखें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। तो मैं अभी पट्टी अपनी पूरी निकाल रहा हूँ। तो मैंने जैसे कहा था कि प्लास्टिक सर्जरी में ये जो प्रक्रिया है इसको ऐसा किया गया है कि ये जो पेट है यहाँ से आपको स्टिच दिख रहा है, ये जो यहाँ पर पिन लगाया हुआ दिख रहा है, तो इसको ये जो हमारे चमड़ी है स्किन पेट की, वो ऐसा यहाँ से कट किया गया है। कट करके फिर चमड़े को खींच के इधर लगाया गया है, और जो निकाला हुआ स्किन जो है पेट का, मेरा जो यहाँ की जो स्किन खत्म हो गई थी उंगली की, तो ये उंगली को इधर से लगा के स्टिच किया गया है। अभी ये इसकी प्रक्रिया जो है वो 1 महीने तक चलेगी। तो ये हील होने के लिए इसको इसके साथ रहना जरूरी है, नहीं तो यहाँ से निकालने के बाद में इसमें जान थोड़ी रहेगी, जितनी जान रहेगी वो उतना ही हील हो पाएगा, उसके बाद में सूख जाएगा। इसीलिए इस तरीके की प्रक्रिया मेरे साथ हो रही है। ये जो है प्लास्टिक सर्जरी की अनोखी प्रक्रिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ज्यादा देर आपको ये दिखाना अच्छा भी नहीं है। तो अभी आपको मैंने जो दिखाया ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसे किस तरीके की प्लास्टिक सर्जरी जो है वो हुई है। तो अभी 19 तारीख फरवरी को मेरे 1 महीना कंप्लीट हो रहा है प्लास्टिक सर्जरी का। 19 तारीख को मेरा छोटा सा एक और ऑपरेशन होगा, और उसके बाद में उंगली जो है पेट की स्किन से रिलीज किया जाएगा। तो अभी आपने देख लिया कि किस तरीके से मेरी जो प्लास्टिक सर्जरी की प्रक्रिया वो पूरी हुई। यहाँ से स्किन निकाला गया था, तो आप इसको देख सकते हैं कि अभी ये घाव पूरा भर चुका है। 16 टाके लगे थे, तो अभी ये टाके हैं, ये समय के साथ में ये झड़ के चले जाएंगे, जैसे स्किन आएगा और वो चला जाएगा। तो अभी मेरा हाथ फ्री है, अभी मैं रेस्क्यू तो कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं रेस्क्यू करने से अवॉइड कर रहा हूँ। साथियों, आपने देखा कि कैसे रसल फाइबर का जहर, यानी कि इसका जो वेनम होता है वो काम करता है। रसल फाइबर के अंदर जो है हीमोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है, जो हमारे हमारा खून होता है उसके लाल रुधिर कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल्स को पूरी तरीके से छद विच्छद कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। और जहाँ पर रसल फाइबर का बाइट हुआ होता है वहाँ से खून रिसने लगता है।
उसमें से प्लाज्मा वगैरह सब निकलता है, जो खून होता है वो अलग हो जाता है, प्लाज्मा उसका अलग हो जाता है। दिमाग के अंदर अगर उसका असर जल्दी पड़ जाए तो आदमी की याददाश्त भी चली जा सकती है, फिर आदमी डेथ भी हो सकता है। हार्ट के अंदर जो है थक्के जम जाते हैं खून के, हीमोटॉक्सिन की वजह से, वो थक्के जमने की वजह से फिर ब्लॉकेज होके हार्ट फेल भी हो सकता है। धीरे धीरे जो मरीज होता है उसका ब्लड प्रेशर लो होता जाता है, लो होने की वजह से भी डेथ हो सकती है। टिश्यूज वगैरह जहाँ पर काटा होता है वहाँ से टिश्यूज फट जाते हैं, जिसका एक मैं हूँ प्रमाण कि मेरा जो उंगली के टिश्यूज फटने के बाद में हड्डी हड्डी तक दिखने लग गया था, तो इसके लिए मेरे को ये प्लास्टिक सर्जरी किया हुआ है। तो अभी ये उंगली के ऊपर प्लास्टिक सर्जरी जो पेट का चढ़ाया हुआ है, ये मोटी चमड़ी होती है, यानी कि चमड़ी जो पेट की होती है उसमें चर्बी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मोटी होती है। हमारा हाथ जितना, जो हमारी जो उंगली है जितने साइज की होती है उतने साइज का तो उसका स्किन होता है, और वो स्किन इसके ऊपर चढ़ने के बाद में, ये मेरा जो हाथ है अभी आपको दिखा सकता हूँ मैं कि किस तरीके से, अभी प्लास्टिक सर्जरी के बाद में मैंने इसको सिर्फ दवाई लगाया हूँ। ये देखिए, तो अभी ये जो पट्टी है मैं इसको लेके जाऊंगा, यहाँ से जो पेट की जो चमड़ा है स्किन है इसके ऊपर चढ़ा के यहाँ स्टिच मारा गया है। ये धीरे धीरे दोस्तों, ये अभी इसकी जो चर्बी अंदर से जो है निकलने के बाद में धीरे 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 फिर ये लेवल को आ जाएगा। डॉक्टरों ने कहा है कि लगभग 6 महीने तक का समय वीडियो दिया बताने है। का मकसद यही था कि रसल स्वाइपर के साथ में लापरवाही ठीक नहीं, जैसे मैं अपने आप को रसल स्वाइपर को समझता हूँ, ऐसा सोचा था, ऐसा कभी नहीं है। रसल स्वाइपर को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रसल स्वाइपर जंप करके भी काटता है, 5 फीट तक वो जंप कर सकता है, अपने जो शरीर होता है उतना जंप वो कर सकता है, 5 फुट का हो तो 5 फुट तक जंप कर सकता है। तो इसके लिए इसकी हम लोग जो सीमा है उसको पहचान नहीं सकते, इसकी हद को हम सही तरीके से आकलन नहीं कर सकते, इसीलिए हमेशा अपने आप को सतर्कता से रेस्क्यू करें और गलती की कोई गुंजाइश नहीं। मैं जो लापरवाही नहीं किया और मैंने समय रहते अपना इलाज करवाया, जिसकी वजह से मेरी उंगली भी सही सलामत है और मैं भी जिंदा हूँ आज आपके सामने। आगे रेस्क्यू करूँगा, आगे मैं स्नेक को बचाने के काम में कार्यरत रहूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा। सांप और रेप्टाइल्स को और किसी भी जानवर को मारना नहीं चाहिए, उनकी रक्षा करना, प्रकृति के अंदर संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। मैं बताना यही चाहता था कि किस तरीके से वेनम काम करता है और किस तरीके से मेरी प्लास्टिक सर्जरी की प्रक्रिया से मैं अपने आप को, मेरे हाथ को सुधार पाया, यही दिखाना चाहता था। तो इसलिए कि हम जो भी काम करते हैं हम लोग इसका कोई भी पैसा लेते नहीं, मैं जहाँ पर भी रेस्क्यू के लिए जाता हूँ अपना खुद का खर्चा से मैं जाता हूँ। तो अगर कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा गूगल पे नंबर भी दिया गया है, आप उसमें अपना अनुदान कर सकते हैं। तो दोस्तों लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि किस तरीके से हीमोटॉक्सिक वेनम शरीर में काम करता है और कितना क्षति जो मरीज को हो सकती है, सही तरीके से समय रहते इलाज ना हो तो बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य था कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, और आप सब तमाम मेरे दर्शकों से, व्यूवर से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे हर नए दर्शक से मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम, सेव नेचर, सेव स्नेक, सेव एनिमल।